आप सब आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू कुकिंग विद जी ए। आज हम बना रहे हैं सैलमी। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में और बहुत जल्दी भी बन जाती है। ये मैंने इधर खीरे लेनी है, ये मैंने 3 बड़े साइज़ के खीरे लेनी है जिसको ग्रेट कर लिया है। आप जब खीरों को ग्रेट करें उसके बाद आप इनका पानी निचोड़ दें जिससे इसमें ज़्यादा पानी नहीं रहे। इधर मैंने ये बड़े साइज़ का एक शिमला मिर्च ले लिया, इसको भी बारीक बारीक चॉप कर लिया है। इधर मैंने टमाटर लिए, इसको भी चॉप कर लिया। मैंने शिमला मिर्च और टमाटर की सीड्स रिमूव कर दिए हैं। आप भी जब सैंडविच बनाते हैं इन दोनों की सीड्स रिमूव कर दें। इधर मैंने ये 1 चम्मच काली मिर्च ली है कुटी हुई, और इधर ये मेयोनीज है। एक पहले मैंने मेयोनीज ले ली, अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम और ऐड कर लेंगे। अब हम ये सारी चीज़ें इसमें डाल देंगे खीरे में। टमाटर, शिमला मिर्च, इसके बाद ये काली मिर्च भी ऐड कर देंगे। इधर जो हमने मेयोनीज ली है ये भी डाल देंगे। मेयोनीज आप ज़्यादा डालें इससे सैंडविच का टेस्ट। मेयोनीज डाल के हमने इसको मिक्स कर लिया है। अभी मुझे मेयोनीज थोड़ी सी कम लग रही है तो मैं इसमें थोड़ी सी मेयोनीज और ऐड कर दूँगी। मैंने 2 चम्मच के बराबर इसमें मेयोनीज और ऐड कर दी है। अब हम इसको भी मिक्स कर लेंगे। हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है बनके। आप जब इसको एक बार मिक्स कर लें उसके बाद चेक कर लें, अगर इसमें कोई चीज़ कम हो तो आप और भी ऐड कर लें। ये बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम इसको ब्रेड पर लगाना शुरू करेंगे। ब्रेड पर लगा देंगे। अगर आप चाहें तो ब्रेड की साइज रिमूव कर सकते हैं, पर मैंने नहीं हटाई है क्योंकि हम तीसरा ब्रेड लगा देंगे और इसको कट कर देंगे। हम ऐसे ही बाकी के सैंडविच तैयार कर लेंगे अपने। किसी हमारी यमी से हेल्दी सैंडविच बनके तैयार है। इनको बनाना देखा बहुत ही ईजी है। अगर आप चाहें तो आप इन पर हल्का सा बटर लगा के इनको टोस्ट भी कर सकते हैं, तभी ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।